धर्मगुरु गुरमीत राम रहीम सिंह की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, जिसके बाद राम रहीम सिंह इस फिल्म का पार्ट टू लेकर आ रहे हैं, जिसका हाल ही में म्यूजिक लॉन्च किया गया। इस मौके पर गुरमीत राम रहीम ने अपनी फिल्म के बारे में ढेरों बातें की और बताया कि जैसे पिछली बार उन्हें फिल्म के प्रमोशंस और रिलीज़ के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ी थी, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार मैसेंजर ऑफ गॉड पार्ट टू के लिए पहले से ही परमिशन ले चुके हैं। जो प्रमोशन हम कर रहे हैं तो वो अपने कोर्ट के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, सब कुछ पहले भी वैसे ही किया था, आज भी वैसे ही कर रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान राम रहीम ने द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ के किले के बारे में एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड की शूटिंग भानगढ़ के किले में की और बताया कि वहां भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं है। इसके साथ ही गुरमीत राम रहीम ने ये भी बताया कि उन्होंने इस फिल्म में 6 सॉन्ग्स गाए हैं, जिन्हें उन्होंने अलग अलग आवाज में गाया है। भूत प्रेत नहीं होते इस धरती पे, क्या ये सच्चाई है? और ये आपको बता दें, हमने जो फिल्म शूट की है, पूरी की पूरी फिल्म की शूटिंग जो हुई है एशिया के मोस्ट हॉन्टेड किला जो भानगढ़ का किला राजस्थान में मशहूर है, उसी में हुई। हम रातों को घूमे, दिन को घूमे, तो क्या था वहाँ? कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे लोग डरा करते हैं। बंदर थे, लंगूर थे, चीता थे, उल्लू वगैरह थे या चमगादड़ थे, और वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। सो ऐसा कुछ होता ही नहीं, जो वेदों में लिखा है कि धरती पे कोई भूत प्रेत होते ही नहीं, वो बिल्कुल सच है। और आप आके देखेंगे ये फिल्म में तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। बहुत अच्छा म्यूजिक दिया अपनी तरफ से, पूरा 6 सॉन्ग आए, 6 के 6 हमने अलग अलग आवाज़ में गाए हैं, और हमें लगता है यूथ को पसंद आएंगे। तो आप आके जरूर देखिएगा 18 सितंबर को।